हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी, ऑलमोस्ट जो है 8 to 10 प्लांट ऐसे शेयर करूंगी जो कि शेड में बहुत आसानी से चल जाते हैं। जहां पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं होती, बहुत आसानी से ये प्लांट जो है सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत अच्छे से ब्लूम होते रहते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है जरबेरा का प्लांट। जरबेरा एक नॉर्मल सा प्लांट है, हर नर्सरी में हर जगह पर मिल जाता है। तो ये प्लांट जो है वैसे तो 80 से कम में नहीं आता, 80 या 100 रुपए से कम में ये प्लांट नहीं मिलता है। जहाँ पॉलीबैग में मिलता है वहाँ सस्ता मिलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। 100 रुपये जब मरा सा मरा प्लांट रहेगा वो 80 रुपीज़ में मिलता है। तो जरबेरा जो है एक शेडी प्लेस में चलने वाला, बहुत अच्छे से हार्डी कंडीशन में चलने वाला प्लांट है। जो देसी जरबेरा होते हैं वो बहुत ही हार्डली चल जाते हैं, और देसी जरबेरा के जो है सीड आप जर्मिनेट कर सकते हैं, इस टाइम पर बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। दूसरा प्लांट जो है वो है साइक्लामेन का प्लांट। साइक्लामेन का प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, बहुत ही यूनिक प्लांट है। स्टिक एक यूनिक सी नीचे से स्टिक निकलती है, उसमें से बर्ड्स निकलती है और उसमें जो है बहुत ही खूबसूरत फ्लावर ब्लूम करते हैं। इनकी पत्तियाँ भी बहुत सुंदर बैरिकेटेड दिखाई देती हैं, बहुत सुंदर सा दिखाई देता है, जैसे कि आइस क्री हो प्लांट पर। बहुत सुंदर से प्लांट होते हैं और थोड़े कॉस्टली आते हैं, लेकिन प्लांट जो है अगर आप इनकी केयर करते रहेंगे तो बहुत आसानी से चल जाते हैं और प्रॉपर शेड में चलते हैं। इनके फ्लावर बहुत अच्छे से ब्लूम होते रहते हैं। पानी की अगर कमी हो जाएगी तो इनकी बर्ड्स जो है नीचे की तरफ झुक जाती हैं, तो इनमें पानी मेंटेन करके रखना पड़ता है। बाकी ये प्लांट जो है बहुत ही हार्डी होते हैं और बहुत आसानी से छाया वाली जगह में शेडी प्लेस में चल जाते हैं। इनको लगाना भी बहुत आसान है, इनको डिवाइड करके भी लगाया जा सकता है और बहुत आसानी से ये आपके गार्डन में स्टे करते हैं। थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं और हर जगह पर अवेलेबल नहीं रहते। इनमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, जो भी कलर हो आप उनको जो है परचेज़ कर सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है प्रमुला या प्राइम रोज़ का प्लांट। ये प्लांट भी बहुत यूनिक होता है, इसको भी जो है इसकी केयर थोड़ी सी टफ़ होती है, लेकिन ये प्लांट जो है छाया में बहुत आसानी से चल जाते हैं। अगर आप बालकनी गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप ये प्लांट लगा सकते हैं। इनमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, मैंने ये थोड़ा ट्रिपल कलर में लिया है, वाइट येलो पिंक में। इनमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, येलो में भी बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट और रेड में भी बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। तो अगर आप इनको लगाना चाहते हैं तो इस टाइम पर इनको ग्रो कर मतलब लगा सकते हैं। ग्रो तो नहीं कर सकते, इनको ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है जहाँ पर गर्म जगह होती हैं, जैसे कि हम गुजरात से हैं तो यहाँ पर इनको सर्वाइव कराना मुश्किल है। लेकिन मैंने भी एक प्लांट ऐड किया है तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि शेडी प्लेस में ये प्लांट जो है आसानी से चल जाएगा, इसको धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो प्राइम रोज एक बहुत ही खूबसूरत शेडी प्लेस वाला प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है कार्नेशन। कार्नेशन डायंथस की ही वैरायटी है। इसकी बर्ड्स जो है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और जब ब्लूम हो जाते हैं तो उसमें चार चांद लग जाते हैं आप इसकी खूबसूरती में। एक बंचेस में इनमें जो बर्ड्स आती हैं देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, और जब फ्लावर खिलते हैं तो एक के बाद एक फ्लावर ब्लूम ही होते रहते हैं। कार्नेशन को कटिंग से भी लगाया जा सकता है और कार्नेशन को सीड से भी लगाया जा सकता है। इनको जो है शेडी प्लेस में रखेंगे, अगर मार्च अप्रैल में आपके गार्डन में ये प्लांट है तो इनको शेडी प्लेस में रखिए जहाँ पर धूप नहीं आती, इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, या आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है 2-3 घंटे की धूप, तो कार्नेशन बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है रेनन्कुलस। रेनन्कुलस एक बल्बस प्लांट है, मतलब बल्ब से ग्रो किया जाता है। वैसे ये सीड से भी ग्रो होते हैं, लेकिन ये जो मैं दिखा रही हूँ ये बल्ब से ग्रो हुए प्लांट है, ये नर्सरी में लगी हुई है। मेरे पास में भी इसके 2 प्लांट हैं लेकिन अभी उनमें ब्लूम नहीं आए हैं, मतलब कि फ्लावरिंग नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको नर्सरी की क्लिप दिखा रही हूँ। इनमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, जैसे कि मैंने 3-4 कलर आपको स्टार्टिंग में दिखाए हैं, और ये मेरे प्लांट हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन अभी इनमें जो है बर्ड्स नहीं आई हैं। तो बर्ड्स जो है अप्रैल तक इनमें ब्लूमिंग होती है, अप्रैल तक मैं इनका वेट करूँगी, नहीं तो इनके बल्ब जो है सेव करके रख लूँगी, प्लांट जो है नेक्स्ट ईयर जो है रेडी हो जाएंगे। तो ये भी जो है शेडी प्लेस में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, मतलब कि चल जाते हैं और फ्लावरिंग करते रहते हैं। इनके फ्लावर अगर शेडी प्लेस में रखेंगे तो आराम से जो है 20-25 दिन तक इनके फ्लावर स्टे करते हैं और प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी कंडीशन में चलते रहते हैं। तो इनको भी बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास में छाया वाली जगह है तो आप इनको जो है 1-2 घंटे की सनलाइट में रखेंगे तो ये प्लांट ब्लूम करते रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है जेरेनियम। जेरेनियम वैसे तो ठंडी में धूप मांगते हैं, लेकिन जो है जब जैसे ही गर्मी आती है, जैसे कि गर्मी पड़ने लगी है दोपहर की तपती हुई धूप है, तो इसमें जो है आप इनको शेडी प्लेस में रखेंगे जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, मतलब कि धूप बिल्कुल भी ना आती हो और अच्छे से ग्रो कर जाए ऐसे।
तो ये चल जाते हैं। ये मेरे कटिंग से लगे हुए जेरेनियम है जो मैंने आपके साथ में शेयर किए थे। आप देख सकते हैं इसकी रूट जो है नीचे से निकलने लगी है। तो ये दो कटिंग मैंने आपके साथ में लगा कर शेयर की थी, ये वही हैं जो ग्रो हो चुकी हैं, तो इनको भी आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है जो है बिगुनिया। बिगुनिया हैंगिंग बास्केट में भी बहुत आसानी से चल जाते हैं और पॉट में भी बहुत आसानी से चल जाते हैं। इनको धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ठंडी में जो ठंडा वातावरण रहता है उसमें जो है आप इनको धूप में रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे बूसी हो जाएंगे, लेकिन जहाँ गर्म प्रदेश हैं वहाँ पर जो है इनको धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से हैंगिंग बास्केट में आप इनको कहीं भी लटका सकते हैं, बहुत आसानी से ये सेडी प्लेस में चल जाते हैं। तो इनको जो है आप सेव करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है कलांचो। कलांचो को भी मार्च अप्रैल की धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इनको भी आप सेडी प्लेस में रख सकते हैं, या बर्ड्स नहीं बनी हैं तो धूप में रख सकते हैं। बर्ड्स ब्लूम जैसे ही हो जाएंगी तो उनको आप जो है धूप से हटाकर छाया वाली जगह में सेडी प्लेस में रख दें, जहाँ पर एक दो घंटे की सनलाइट आती हो, तो बहुत आसानी से चल जाएंगे। यहाँ पर मैंने ग्रो बैग में कुछ कटिंग लगाई थी, वो भी अच्छे से लग गई हैं और देख सकते हैं इनमें बर्ड्स भी बनने लगी हैं। तो कलांचो भी बहुत अच्छा सेडी प्लेस में चलने वाला प्लांट है। नेक्स्ट है बेबी सनरोज। बेबी सनरोज एक सकुलेंट वैरायटी की वाइन टाइप प्लांट है जो हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। तो इसको अगर आप लगाते हैं कटिंग से तो बहुत आसानी से लग जाती हैं। ये भी मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किया है कटिंग से लगाना, तो ये कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और ये सेडी प्लेस में भी अच्छे से चल जाते हैं और सनलाइट में भी अच्छे से चल जाते हैं। तो दोनों मॉइस्चर में बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो इनको भी आप जो है लगा सकते हैं। अगर सेडी प्लेस में कोई प्लांट लगाना चाहते हैं जो हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे से चले, तो आप जो है बेबी सनरोज को लगा सकते हैं। बेबी सनरोज बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है सिनेरेरिया। सिनेरेरिया में मेरे अभी ब्लूम नहीं हुए हैं इसलिए मैं आपके साथ में पिक्स शेयर कर रही हूँ। तो सिनेरेरिया में कई सारे कलर्स आते हैं, मैंने आपको जो है दो कलर दिखाए हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि हमारे जो गुलदाउदी रहते हैं ब्लूम करते हैं बंचेस में, वैसे ही सिनेरेरिया ब्लूम करते हैं और ये भी सेडी प्लेस में चलने वाले फ्लावरिंग प्लांट हैं। मेरे सिनेरेरिया में ब्लूम नहीं आए हैं, मैं आपके साथ में जो पिक शेयर कर रही हूँ ये मेरे गार्डन की, और कुछ में जो है बर्ड्स आ गई हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं लगाए हैं, सीड से ही ग्रो किए थे और दो प्लांट तो मेरे ऐसे ही पॉली बैग में ही पड़े हुए हैं, तो मैंने अभी नहीं लगा पाई। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इनको जो है आप अपने गार्डन में रख सकते हैं सेडी प्लेस में। नेक्स्ट प्लांट जो है ये है लॉलीपॉप का प्लांट, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसमें भी दो कलर आते हैं, एक येलो कलर और एक ही रेड कलर। मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, मैं अभी इसका मदर प्लांट भी दिखाऊंगी। मदर प्लांट को मैंने कटिंग लगा लगा कर एकदम से ऑलमोस्ट डेड कर दिया है, लेकिन उसमें ब्लूम आ रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये भी कटिंग से लगा हुआ ही प्लांट है डिस्पोजेबल में, और ये जो आप देख रहे हैं ये मदर प्लांट है लेकिन इसमें ब्लूम हो रहे हैं, थोड़ी ही इसमें ब्रांचेस बची हैं। तो इस तरीके से आप लगाना चाहते हैं तो हाइब्रिड हिबिस्कस को भी आप सेडी प्लेस में रख सकते हैं जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, तो हाइब्रिड हिबिस्कस भी बहुत आसानी से चल जाएंगे। ये भी मेरा कटिंग से लगा हुआ ही हिबिस्कस प्लांट है जो ब्लूम कर रहा है, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया है। तो ये कुछ ऐसे प्लांट थे जिनको अगर आप सेडी प्लेस में लगाएंगे तो आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से आपको मिलती रहेगी, जैसे कि विंटर में फ्लावरिंग होती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।